प्यारे बच्चों, वाणिज्य की इस कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, रोजनामचा को समझने के पश्चात अब हम उस बिंदु पर आज बात करेंगे जिसे आप प्रत्येक समय रूबरू होते रहेंगे। जब रोजनामचा में व्यापारिक सौदों का जब आप लेखा करते हैं तो उसमें एक पक्ष को डेबिट करते हैं और एक पक्ष को क्रेडिट करते हैं। जब एक पक्ष को डेबिट करते हैं तो वह एक खाता होता है, अकाउंट, ठीक है। और दूसरा पक्ष भी जो आप क्रेडिट करते हैं वह भी एक खाता होता है। अब आपके दिमाग में यह बात आता होगा कि यह खाता है क्या, जिसको हम डेबिट करते हैं एक तरफ और एक तरफ क्रेडिट करते हैं। इसलिए रोजनामचा के और रूल रेगुलेशन बताने से पहले हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि खाता कहते किसे हैं, खाता क्या होता है, इसका प्रारूप कैसा होता है, इसके भाग कैसे होते हैं, ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी बिंदु पर आपके सामने यह प्रकरण लेकर के आए हुए हैं, खाता क्या होता है। अगर इसे शब्दों में बांधने की कोशिश किया जाए तो आपके सामने है और इसको आप याद भी कर लीजिए, मैं वैसे समझा भी दे रहा हूँ जिससे कि आप हमेशा भूलेंगे नहीं, कि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा वस्तु, व्यक्ति, संस्था और वस्तु से संबंध रखने वाला। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब आप सौदा करते हो तो वह ट्रांजेक्शन्स के जो पक्ष होंगे, जिन पक्षों को आप पहचानते हो, जिन खातों को आप पहचानते हो, और पहचानने के बाद तब आप उसमें से एक खाते को डेबिट करते हो, दूसरे खाते को क्रेडिट करते हो, तो वह किसी व्यक्ति से संबंधित होगा, किसी संस्था से संबंधित हो सकता है अथवा किसी वस्तु से संबंधित हो सकता है, ठीक है। तो इनसे संबंध रखने वाले व्यावसायिक लेन देनों का संक्षिप्त ब्यौरा ही क्या कहलाता है, खाता कहलाता है। समझ में आ गया। अर्थात अगर कोई बिजनेस में कोई व्यक्ति उससे कोई लेन देन किया है, जैसे राम ने अगर उससे माल खरीदा है, ठीक है, हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। राम ने माल खरीदा, ठीक है, 5000 रुपीज, 5000 का मान लीजिए आपका एक सौदा है। तो राम ने माल खरीदा, अब इसमें दो पक्ष का आपको पहचान करना है। एक पक्ष, अब इसमें स्पष्ट नहीं कहा गया है कि माल नगद खरीदा गया है कि उधार खरीदा गया है, ठीक है। अगर कोई शब्द यूज न हो नगद के संबंध में तो हम उसको उधार समझ बैठते हैं, ठीक है। अगर नगदी शब्द का प्रयोग न किया गया हो तो प्यारे बच्चों, उस सौदे को आप क्या मानेंगे, उधार मानेंगे, ठीक है। तो राम ने माल खरीदा, अर्थात यहां पर उधार माल क्रय किया गया है, और ऐसे परिस्थिति में एक पक्ष तो राम हो गए और दूसरा पक्ष खरीदा, खरीदना हो गया, क्रय, ठीक है। अब इसमें दोनों पक्षों की पहचान हमने कर लिया, एक पक्ष आपका परचेज हो गया, एक पक्ष आपका, अब देखिए ध्यान से, यह व्यक्ति और यह वस्तु से संबंधित, माल से संबंधित हो गया, दोनों पक्षों की पहचान तो आपने कर लिया।
जब आप प्रारंभिक बहियों में सौदों को लिखते हैं तो एक पक्ष एक एक खाते को डेबिट करते हैं और दूसरे खाते को क्रेडिट करते हैं। तो फिर ये खाता अर्थात राम से संबंधित जितने भी आपके बिजनेस से जो लेन देन किए गए होंगे उनका एक जगह वो राम का खाता कहलाएगा। परचेज जितना भी हुआ है उसका एक जगह जो संक्षिप्त ब्यौरा रखा जाएगा उसको कहते हैं, उसको हम कह देंगे कि ये परचेज का खाता है। अब यदि आप थोड़ा सा आप सोचते हो कि बैंक खाता, आप बार बार आपके दिमाग में बात होता है कि बैंक में खाते खोले जाते हैं, बिल्कुल सही देते हैं। अर्थात जब आप अपना बैंक में खाता खोलने जाते हो तो बैंक आपके नाम से संक्षिप्त ब्यौरा आपका लेन देन का समस्त आपके नाम से रखता है तो कहा जाता है कि वो आपका खाता है। क्लियर, समझ में आगे बात आ गई। अर्थात आपके लेन देन से संक्षिप्त ब्यौरा जो बैंक में रखा जाता है इसीलिए कहा जाता है कि आपका खाता है। और वह परिभाषा सटीक बैठती है कि किसी व्यक्ति संस्था अथवा वस्तु से संबंध रखने वाले व्यावसायिक लेन देनों का संक्षिप्त ब्यौरा ही खाता है। समझ गए होंगे। अब हम आपको इस खाते के भाग की बात करते हैं। खाते के भाग, प्यारे बच्चों खाते के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक को कहते हैं हम ऋणी और दूसरे को कहते हैं धन। ठीक है, ऋणी को अंग्रेजी में डेबिट कहा जाता है और धनी को क्रेडिट कहा जाता है। समझ में बात आ गया। जब आप कहीं भी किसी का भी खाता आप देखेंगे तो उसके दो भाग होंगे, एक ऋणी पक्ष और दूसरा धनी पक्ष। ठीक है ना। खाते को जब हम संकेत देते हैं अर्थात शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में A/C से नोट करते हैं। ठीक है, ये रहा है आपका खाते का भाग। अब प्यारे बच्चों इसको समझने के पश्चात हम आपको इसी के लिए हम आपको एक फॉर्मेट इसका खाते का जो प्रारूप होता है अर्थात जो संक्षिप्त आप उससे किसी भी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी संस्था का जो आप संबंध रखने वाले जो लेन देन होंगे उसको जब रखने के लिए जब आप बनाते हैं प्रारूप, तो प्रारूप क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, आप यहीं से देख लीजिए। फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, खाते का प्रारूप। सबसे पहले हम उस व्यक्ति, संस्था अथवा वस्तु का नाम लिख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अभी मैंने राम का जो उदाहरण दिया तो राम का अगर आप खाता बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले लिख लेंगे हम राम, पोस्ट ऑफिस एस लगा देंगे, राम एक्स, राम से अकाउंट। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया राम से अकाउंट। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि ये दो पक्ष हैं, इसी पर मैं बता रहा हूं, तो दो भाग कर दीजिए। यह पक्ष हो गया डेबिट और यह पक्ष हो गया क्रेडिट। ठीक है, दो भाग हो गए, एक पक्ष डेबिट हो गया और दूसरा पक्ष क्रेडिट हो गया। अब इनमें जो है उपभाग जो होंगे वो देखिए, सबसे पहला जो कालम होता है वह तारीख अर्थात डेट का होता है, समझ में आ गया। दूसरा जो कॉलम होता है वो पार्टिकुलर अर्थात विवरण का होता है। उसके बाद दो कॉलम हो गए, तीसरा जो कॉलम होता है वह होता है JF, JF का फुल फॉर्म बेटा होता है JF इज इक्वल टू जर्नल फोलियो नंबर।
जर्नल फोलियो नंबर, ठीक है। और उसके बाद कालम होता है धनराशि का, धन राशि, समझ में आ रहा है? कितने कालम हो गए? अर्थात जब आपसे कोई पूछेगा कि खाते के डेबिट पक्ष में कितने कालम होते हैं, तो कितने कहेंगे? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर चार कालम होते हैं, ठीक है। यही चीजें क्रेडिट पक्ष में अर्थात डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, यहां भी कितने कालम हो गए? चार कालम हो गए, ओके। तो आपका खाते के जो भाग हैं वो दो भाग हैं, डेबिट भाग और क्रेडिट भाग। डेबिट पक्ष में भी चार कालम और क्रेडिट पक्ष में चार कालम, कुल कितने कालम हो गए? आठ कालम। अब आपसे कोई पूछेगा कि खाते के कुल कितने कालम होते हैं, तो आपका प्रश्न होगा कि खाते में कुल आठ कालम होते हों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यह रहा आपका खाते का प्रारूप। अब हम बात करेंगे खाते की प्रकार की। ये तो हो गया, आप खाते का प्रारूप देख लिए। अब हम बात करेंगे खातों के प्रकार, खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट प्यारे बच्चों, वास्तव में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, समस्त लेन देनों को दो भागों में ही बांटा जाता है। अर्थात खाते के मूल रूप से कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, एक व्यक्तिगत, ध्यान से आप लोग अब समझिएगा, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे अकाउंट की भाषा को समझने जा रहे हैं। तो एक को कहते हैं व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल, और दूसरे को कहते हैं अव्यक्तिगत, अव्यक्तिगत, ठीक है, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दो प्रकार के ही आपके सौदे जो होंगे वो दो लोगों को ही प्रभावित करते हैं। उनमें से जो दो पक्ष होते हैं वो पक्ष या तो व्यक्तिगत हो सकता है या तो अव्यक्तिगत हो सकता है। व्यक्तिगत में एक व्यक्तिगत भी हो सकता है और दूसरा अव्यक्तिगत भी हो सकता है, ठीक है। अब आइए, व्यक्तिगत के भी तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। अब व्यक्तिगत के तीन प्रकार, तब मैं उनकी परिभाषाओं को, उनके अर्थ को स्पष्ट करूंगा। एक होता है प्राकृतिक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्राकृतिक व्यक्ति। दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको पूरी अच्छी तरह से आपको समझना है, क्योंकि तभी आप सौदों के दोनों पक्षों को अलग कर पाएंगे, और जब अलग कर लेंगे तभी जा करके आप उन्हें किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, इन नियमों को भली भांति समझ पाएंगे। तो प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, और तीसरा होता है प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, प्रतिनिधित्व करने वाले खाते, प्रतिनिधित्व करने वाले खाते। पहले आप इनको समझ लीजिए। प्राकृतिक व्यक्ति जिसे इस धरा पर गॉड ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, अदृश्य शक्ति ने दिया है, ठीक है, जिसके पास हाथ कान नाक और बुद्धि जैसे शक्तियों से भरा है, अर्थात हम और आप, ये सभी प्राकृतिक व्यक्ति हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? शीला, करण, गोपी, कृष्ण, तमाम ये जो नाम हैं ये सभी क्या हैं?
प्राकृतिक व्यक्ति, ठीक है। दूसरा जो है कृत्रिम व्यक्ति, अर्थात जिसे इन बुद्धिजीवी व्यक्तियों के द्वारा, इन बुद्धिजीवी हाथ पैर वाले प्राकृतिक व्यक्तियों के द्वारा निर्मित किया जाता है और उसे भी सदृश, अर्थात उसके भी आँख कान नाक और दिमाग इत्यादि उसके भी अपने हो जाते हैं जो लोगों के व्यक्ति से मिल करके चलता है। अर्थात अगर किसी बैंक की बात करें तो बैंक व्यक्तियों का समूह हो गया, उसे किसने बनाया, व्यक्तियों ने मिलकर के बनाया, तो वो कृत्रिम बैंक हो गया, कृत्रिम व्यक्ति हो गया, ठीक है। ये कॉलेज जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, यह विद्यालय, ठीक है, कोई संस्था, जो भी मतलब व्यक्तियों के द्वारा जो निर्मित किया जाता है उसे हम कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रतिनिधित्व करने वाले, अर्थात जो व्यक्तियों के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है, अर्थात वो व्यक्तियों को ही करना था। अगर उसके पीछे देखा जाए तो कोई ना कोई व्यक्ति छुपा है, समझ बात नहीं। जैसे पहले जो उदाहरण में इसका आपको समझा दूं कि मान लीजिए कि व्यवसाय को 5,000 रुपया वेतन देना है, समझ लीजिए। अब ये 5,000 रुपया वेतन देना है, ठीक है ना, अर्थात यह वेतन दिया नहीं गया है। अगर दे दिया गया होता तो किसी व्यक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जाता, ठीक है। ये हो सकता है कि अव्यक्तिगत में पहुंच जाता, हो जाता, लेकिन व्यक्तियों को देना है और वो व्यक्ति इसलिए व्यक्तिगत खाते से संबंधित हो गया। तो ये जो 5,000 रुपये वेतन देना है, यानी जो अदत्त है, इस प्रकार के खातों को हम कहां ले जाएंगे, अदत्त खातों को, तो वही जो है आपका प्रतिनिधित्व करने वाले खाते की श्रेणी में ले जाया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि आप प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति और प्रतिनिधित्व करने वाले खातों के बीच जो अंतर है वो आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूं, प्राकृतिक व्यक्ति हम और आप प्राकृतिक व्यक्ति हैं, कृत्रिम व्यक्ति हम और आपके द्वारा जो समाज में हम निर्मित करते हैं और वो हमारे आपकी भांति ही काम करता है तो उनको हम कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। और प्रतिनिधित्व करने वाला, अर्थात ऐसा लेन देन जो किसी व्यक्ति से संबंधित था, उसके पीछे कोई व्यक्ति है, वह खाते जो है आपके व्यक्तिगत के खातों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अव्यक्तिगत खातों की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अव्यक्तिगत खातों को हम दो भागों में बांट देते हैं, ये भी दो प्रकार के हुए, ठीक है। कितने? दो भागों में। एक वास्तविक खाता, वास्तविक खाता अर्थात रियल अकाउंट और दूसरा अवास्तविक खाता, ठीक है, अवास्तविक खाता। अच्छे से समझिएगा आप लोग, क्योंकि यह अकाउंट का नींव है, अकाउंटिंग का नींव है, इसे आप अच्छे तरह से समझ लीजिए। अवास्तविक खाता अर्थात नॉमिनल अकाउंट, इसको नाममात्र के खाते भी कहते हैं। वास्तविक खाता दो प्रकार के, अब आइए इनको भी हम एकदम बिल्कुल, जैसे जैसे हम तह तक पहुंचेंगे वो बातें अस्थाई रूप से समझ में आती है। इसी दृष्टिकोण से वास्तविक खाता के भी दो, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त, मूर्त खाते और अमूर्त खाते। अवास्तविक खाते, अब पहले इसको समझ लीजिए तो हम आपको अवास्तविक खातों के बारे में बताते हैं।
वास्तविक खाते दो प्रकार के होते हैं, मूर्त खाते और अमूर्त खाते। मूर्त अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेंजिबल, अर्थात जो चीजें आपको दिखाई देती है, इसको हम वास्तविक खाता को संपत्तिक खाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपत्तिक खाता। इससे आप लोग क्लियर हो जाएगा, संपत्तिक खाता अर्थात जो संपत्तियों से संबंधित हो, आपके बिजनेस में जमीन, कुर्सी, मेज, कंप्यूटर इत्यादि, मोबाइल, एसी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी घोड़ा जो भी हैं, जो आपको वास्तव में मूर्त माने जो दिखाई देते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, गाड़ी घोड़ा सारी चीज़ें, ये आपके संपत्तिक खाते का मूर्त खाते के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो इसका अमूर्त है, ठीक इसका उल्टा, ये मूर्त है वो अमूर्त है, और माने नहीं, मूर्त माने जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, तो यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन उसका जो व्यवहार होता है वो संपत्ति की तरह ही होता है। क्या है? जैसे किसी बिजनेस का गुडविल आपको दिखाई नहीं देता है, किसी बिजनेस का पेटेंट आपको दिखाई नहीं देता है, किसी बिजनेस का लाइसेंस आपको दिखाई नहीं देता है, समझ में बात आ रही है? तो पेटेंट, गुडविल, लाइसेंस, कॉपीराइट, ठीक, और ये सारी चीज़ें जो हैं अमूर्त हैं, लेकिन अगर इन्हें खरीदा बेचा जाए तो वैसे वो संपत्ति की तरह ही व्यवहार करेंगे। जिस प्रकार से आप अपना कंप्यूटर बेचेंगे और धन प्राप्त करेंगे, उसी तरह से गुडविल को भी बेचा जाता है, जब बिजनेस की बेची जाती है, उसी तरह से कॉपीराइट को बेचा जाता है, उसी तरह से पेटेंट को बेचा जा सकता है, समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ें अमूर्त खाते के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वास्तविक खाता समझ में, व्यक्तिगत खाते के साथ साथ वास्तविक खाता भी अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अव्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता, अर्थात जो वास्तव में नहीं है। ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप लोग समझ लें, ये दो प्रकार के होते हैं। अवास्तविक खाता में व्यय व हान, और दूसरा लाभ व आय। आपके बिजनेस में व्यय होते हैं, हानि होती है। आपने 10,000 की मशीन 6,000 में बेच दिया, 4,000 रुपये की हानि हुई। वह हानि इन किसी भी खातों को प्रभावित नहीं किया, वो किसको, उसी को कहते हैं हम अवास्तविक खाता, और वो व्यय और हानि के अंतर्गत। ये स्पष्ट लिखा भी है और आप समझ भी जाएंगे कि आपका लेन देन अगर व्यय है, मजदूरी आपने दिया, आपने वेतन दिया, आपने बिजली खर्चा दिया, आपने रिक्शा भाड़ा दिया, सारे व्यय हैं, हानि आपको समझ में आ गई, वो हम इनको अवास्तविक खाते के अंतर्गत ले जाते हैं। और तीसरा अवास्तविक खाते का दूसरा है लाभ व आय। प्यारे बच्चों, आपका बिजनेस में आपने अपने पैसे को कहीं लगाया है तो आपको ब्याज मिलेगा, आपको कमीशन मिलता है, ये सभी आपके आय हैं। उसी 10,000 की मशीन जो से मैंने कहा कि 6,000 में बेचा तो आपको हानि हो गई 4,000 की, तो वो चला गया इसमें, लेकिन अगर उसी को आपने 12,000 में बेच दिया तो 2,000 रुपये लाभ हो गया, वो चला गया इसमें। अर्थात आपको ये समझना है कि अवास्तविक खाते के अंतर्गत लाभ व हानि, ठीक है, और व्यय व आय को सम्मिलित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको मैं खाता इसीलिए बताया कि अब जब हम जर्नल करने चलेंगे तो हम उसमें एक खाते को डेबिट करते हैं तो दूसरे खाते को क्रेडिट करते हैं। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा कि हम जिस खाते को डेबिट या क्रेडिट करते हैं वो वास्तव में होता क्या है, ठीक है। अब हम अगर एक वस्तु से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित अगर कोई लेन देन हुआ है तो वह प्रत्येक जगह जो है या तो डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा, तो हम उसको डेबिट और क्रेडिट
करते चलेंगे। इस नियमों को हम अब अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।